बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज में भाजपा सिर्फ एक बार जीत सकी है। 1999 में इस सीट से भाजपा प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन ने तस्लीमुद्दीन को हराया था। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस यह सीट बचाने में कामयाब रही। ऑयल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य असरार उल हक कासमी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के दिलीप कुमार जायसवाल को हराया। वह इस सीट से 2009 में भी जीते थे और तब जदयू के सैयद महमूद अशरफ को शिकस्त दी थी। 7 दिसंबर 2018 को उनका निधन हो गया। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद यह सीट जदयू के खाते में, वहीं महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस को दी गई है। जदयू प्रत्याशी महमूद अशरफ और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद के बीच मुख्य मुकाबला है। शाहनवाज ने खुलवाया था भाजपा का खाता। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शाहनवाज हुसैन पर दांव खेला था। वह चुनाव जीत गए और भाजपा का खाता खुला। शाहनवाज राजद के तस्लीमुद्दीन को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। शाहनवाज अटल सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा यहां एक बार भी जीत न सकी। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर शाहनवाज को टिकट दिया, लेकिन वे राजद के तस्लीमुद्दीन से हार गए। जमीलुर रहमान और तस्लीमुद्दीन 3 से 3 बार चुने गए। इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड जमीलुर रहमान और तस्लीमुद्दीन के नाम है। दोनों किशनगंज लोकसभा सीट से 3 से 3 बार सांसद चुने गए हैं। जमीलुर रहमान कांग्रेस के टिकट पर 1971, 1980 और 1984 में दिल्ली पहुंचे। तस्लीमुद्दीन 1996 में जनता दल, 1998 और 2004 में राजद के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। रोजगार और शिक्षा है मुख्य मुद्दा। बिहार के दूसरे जिलों की तरह किशनगंज में रोजगार सृजन बड़ी समस्या है। हर साल यहां से सैकड़ों युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जिले में एक भी बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक शाखा किशनगंज में खुली थी, लेकिन फंड के अभाव में बंद हो गई। यहां बीएड की पढ़ाई की मांग के लिए लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। रोजगार के नाम पर खेती और चाय के बागान में काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सड़क और पानी की समस्या से भी यहां के लोग जूझ रहे हैं। लोगों की मांग है कि किशनगंज के विकास के लिए सरकार ध्यान दे।